पूर्वी लद्दाख सीमा पर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को माकूल जवाब देने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। चीन के खिलाफ कूटनीतिक के साथ रणनीतिक प्लान भी तैयार है। भारत और चीन सैनिकों के तनाव बढ़ने के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सुरक्षा चक्र के टॉप 5 से बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। तो आज चल रही आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीन सीमा पर डटे कमांडर्स अपना प्लान सामने रखेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में चीन पर जवाबी एक्शन का खाका खींचेगा। पीएम मोदी संग CDS, NSA और सेना प्रमुखों के मीटिंग का एजेंडा वैसे तो मिलिट्री रिफॉर्मर्स और भारत की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने पर था, मगर चीन की लद्दाख में हरकत ने मीटिंग का रुख मोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों ने पीएम मोदी को लद्दाख के ताज़ा हालात से रूबरू कराया। यह तय हुआ कि बॉर्डर पर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं नहीं रुकेंगे। चीन ने निर्माण रोकने की शर्त रखी है जिसे भारत मानने को तैयार नहीं है। भारत ने चीन से साफ कहा है कि वह बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखे। भारतीय सेना ने लद्दाख में बॉर्डर से सटे हुए कई सेक्टर्स में प्रेजेंस बढ़ा दी है ताकि चीन कोई उल्टी हरकत ना कर सके। चीन ने LAC पर बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन शुरू किया व टेंट वगैरह गाड़ दिया था। भारत ने भी पैंगोंग झील व गलवान घाटी में चीन को उसी तरह से जवाब दिया। दौलत बेग ओल्डी में सेना की 81 और 114वीं ब्रिगेड तैनात है। भारत LAC की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के तनाव बढ़ाने वाली हरकतों के पीछे भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आक्रामक होना है। 225 किलोमीटर लंबे दाबरुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड पर 37 पुलों का निर्माण हुआ है। भारत ने सीमाई इलाकों में एयरफोर्स के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चरों को और मजबूत करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। इसी को लेकर भारत पर चीन चिढ़ा हुआ है।